जब लगा था तीर तब इतना दर्द ना हुआ गालिब, जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथ में। ये कुदरत का असूल है कि जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। फासले बढ़ते हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं, और वो भी सुनाई देता है जो कभी किसी ने कहा भी ना हो। जी हां नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वकूआ बहावल नगर को अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाली कुव्वतें सोशल मीडिया पर अपने ज़रख़रीद और मफाद परस्त तमाशबीनों के ज़रिए दो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले और आवाम में दोनों इदारों बिलखसूस पाक फौज के ख़िलाफ़ घनौनी साजिशें दम तोड़ चुकी हैं। याद रहे कि मैंने कबल अज़ीन नेशनल न्यूज़ पर अपनी रिपोर्ट में ये वाज़े कहा था कि पुलिस के ज़िम्मेदार और फौज के मुहब्बे वतन दानिशमंदाना अंदाज में इस इत्तफाक के इख्तलाफ को बासन हल करें और पसपरदा अनासर को बेनकाब भी करें। और अब अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनान वतन की तमाम तर साजिशें, प्रोपेगंडा, हिकमत अमलियाँ, पेशीन गोइयाँ और लंडे के दानिशवरों की भड़का देने वाले तबसरे सब दम तोड़ चुके हैं, और आपस की सुलह से तमाम तर फैलाए जाने वाले अवामी बहकावे के चाल भी टूट चुके हैं, और तमाम सियासी हरबे भी खाक में मिल चुके हैं, जिस पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हम दोनों रियासती इदारों को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा कानून और आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाता रहेगा। जी हां नाज़रीन, हर लम्हा हर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़।